मैं आपको एक बात बहुत साफ कहता हूँ, राजनीति में यदि आपने चलना सीख लिया, ये पार्टी ऐसी कि कभी भी कहीं किसी को भी दौड़ा देती है, पर आपको चलना आना चाहिए, तो सही दिशा में चलना आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आकाश नहीं है, टीनू बैठा है, ये भी टिकट का दावेदार था एक नंबर से। मैंने इसको परसों हिंट्स भी दी कि मैं बहुत असमंजस में हूँ, थोड़ा सा हिंट्स दी थी मैंने, मैंने कहा यार बहुत असमंजस में हूँ, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि आकाश और मुझे दोनों को एक साथ टिकट देंगे, मैं क्यों लड़ूँ। उसने अपनी एक जगह बनाई है शहर के अंदर मेहनत करके, और मेरे कारण उसका राजनीतिक अहित नहीं हो, ऐसा मेरे मन में पिता की हैसियत से चल रहा था। पर पार्टी का आदेश पार्टी का आदेश हो गया। लीडरशिप सिर्फ मंदिर जाने से या धार्मिक यात्रा करने से या भजन गाने से नहीं होती, एक कारपोरेट लीडरशिप होती है कि आप में डेवलपमेंट का विजन क्या है, आप में देश के संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता, इस पे आप कितनी रुचि रखते हैं, आप इंदौर की हिस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं, उस हिस्ट्री के अनुरूप आप क्या करना चाहते हैं, अब इंदौर का डेवलपमेंट, तो इसका एक विजन हमारे पास 2000 में हमने रखा था। आज इंदौर डेवलप हुआ है तो सारा शहर जानता है किस दिशा में हमने एक लाइन खींच दी और उसके ऊपर आज पूरा शहर चल रहा है। अपन लाइन खींच के हट गए, उसके बाद जो भी आ रहा है वो उसी लाइन पे चल रहा है, उस लाइन से बाहर नहीं हुआ। तो एक विजन होता है, धार्मिक यात्रा करता बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें मैं मना नहीं करता, बाकी सिर्फ धार्मिक यात्रा करने से या कथा कराने से या इससे चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए जनप्रतिनिधि का विजन क्या है, उनका गोल क्या है, वो किस प्रकार शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आप एक व्यक्ति हैं तो आपका परिवार है, परिवार में आपकी भूमिका क्या है, आप परिवार में कितना समय देते हैं, फिर उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में आप किसके कितने काम आते हैं, फिर पार्टी है, पार्टी में आप पार्टी के आदेश का कितना पालन करते हैं, फिर जो जवाबदारी दी आपको, यदि आप विधायक हैं तो अपने क्षेत्र की विधानसभा की, मुझे गर्व है कि मैं पार्षद से मैंने अपनी राजनीति प्रारंभ की, नंदानगर इंटक और एटक का कब्जा था, हम लोगों की जवानें जब्त होती, पर हमने अब पूरे नंदानगर को हमने बीजेपी में कर दिया अपने काम से।